अभी सुनील भाई भी आ चुके हैं। सुनील भाई लग चुके हैं प्याज कटिंग में, और प्याज हमारी आ चुकी है, और इधर भी लगभग हमारा तड़के के लिए मसाला तैयार, और आदिल लगा हुआ अपनी आलू छीलने पे। यहाँ पर सटी आलू की छिलाई, और मेरा काम है टमाटर का, तो मैं टमाटर की कटिंग करता हूँ भाइयों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल है, सर का बर्थडे है। देखते हैं, मैं अभी अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, देखते हैं अंदर हो क्या रहा है। क्या बात है, ये क्या बन रहा है? कुछ तो स्पेशल हो ही रहा है। ये देखो, ये इतनी सारी लहसुन काटी जा रही है, और ये आदिल भाई आलू छीलते हुए, और ये मोटा फोन चला रहे हैं। शर्म नहीं आ रही, से काम नहीं कर रहा। क्या बन रहा है सर जी? आज बनाएंगे भाई आलू चावल, हमारे यहाँ इसको कुटवा आलू चावल बोलते वैसे, तो आलू की सब्जी और चावल रहेगा आज। क्या तो बात है, आज बर्थडे बॉय पूरी मेहनत में लगे हुए हैं, है ना? और ये अपने सुनील भाई पूरे जोश में, मतलब इतने गुस्से में है ना, कह रहा है सारा काम कर दूंगा। बना क्या रहे हैं आज? पनीर बनेगा। क्या बनेगा सर? क्या आज का पनीर बनेगा दोस्तों? ये तो कुछ बेचना हुआ। ये अपने दादा भाई प्याज काटते हुए पूरे जोश, अभी आंसू निकलेंगे थोड़ी देर में हर पास से। तो चलिए देखते हैं यार क्या बनता है, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है, जब सब तैयार हो जाएगा तभी पता लगेगा क्या प्रोग्राम है। तो पहले दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है पूरी है, सुनील भाई झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए, और राधा भाई देखो अपना काम कर रहे बच्चों का। बाकी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये हो गया सारी कटिंग कम्प्लीट, सारे टमाटर मटर भी कट चुके हैं, धन्य भाई प्याज काट के आगे, तो दोस्तों फाइनली पता लग गया लंगर होने वाला है, और बर्तन ले लिए हैं ये सर जी, और ये उठा लिया है। आप बता नहीं रहे थे, देख रहे हो, मौसम देखो बारिश हो रही है भाई, ये देखो मतलब मज़ा आ रहा है, और इस ठंडी ठंडी बारिश के अंदर गरम गरम लंगर, मतलब मज़ा ही आ जाएगा खा के, जो खाएंगे और हमें भी मज़ा आ जाएगा लोगों की हेल्प करके। तो चलते हैं, अभी कर रहे हैं तैयारियां, अंदर सारा काम हो चुका है, मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या रह गया सर जी? बस चावल राइस करना है, बाकी सब रह गए, चावल रह गए, बाकी सारा कुछ रेडी है, करते हैं रेडी, फिर चलते हैं, फिर बांटते हैं और आपको दिखाते हैं लोगों की हेल्प करते हुए। तो दोस्तों अभी चावल को चढ़ा दिया गया है, और इधर संजय भाई लगे हुए बना दिया, देखा मैंने अकेले बनाया, बताने क्या क्या मसाले डाले जल्दी से, वो मेरे सीक्रेट रेसिपी। नहीं नहीं, आरएस किचन पे आके देखना दोस्तों, शुरू हो चुका है, ये देख रहे हो, ये कर रहे हैं तस्वीर भाई, आलू छीलने में लगे पड़े हैं, और ये बन रही है सब्जी, देख रहे हो सब्जी रेडी हो रही है। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं, वहाँ लगा दिया हमने चावल, अब वो बन रहे हैं चावल, ये देखो जी। तो वहाँ सब्जी कितनी देर में हो जाएगा रेडी? उसको आधा घंटा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, चावल भी रेडी हो जाएंगे, सब्जी अपनी बन रही है अंदर, चावल यहाँ बन रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने वाला ही है, उसके बाद चलते हैं पीजे। तो दोस्तों फाइनली चावल हो चुका है बिल्कुल रेडी, तो अब इसको बिरयानी का रूप दे देते हैं। तो चलिए देखिए बिरयानी वाला नज़ारा, तो दोस्तों चावल कंप्लीट, और अभी थोड़ा सा और मसाला हमारा रह गया था, तो उसको संजय भाई तैयार कर रहे हैं। मैं बना रहा हूं, मेरे को सब आता है, किसी की शादी शुदी हो जाएगी ना फोन कर देना मुझे ऑर्डर के लिए, हाँ फिर मैं बनाऊंगा, ना टेंशन ना लो। तो ये भी बस समझो दोस्तों कंप्लीट है, और सब्जी भी हमारी वो सामने भगवाने में रेडी हो चुकी है, भाई थोड़ा सा मसाला भी है बस इसको और भूनना। ये लीजिए दोस्तों कंप्लीट, हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, थोड़ा उबाल आ चुका है, और चावल हमारे रेडी रखे हैं ऑलरेडी, तो अब निकलने की तैयारी। तो फाइनली हो चुका है अभी खाना कंप्लीट तैयार, तो अभी देखिए डोंगे रखे जा रहे गाड़ी में। तो दोस्तों फाइनली सभी सामान रेडी हो चुका है, और सभी लोग, चार लोग हम इस गाड़ी में हैं, और चावल वाला जो हमारा भगोना वो आ रहा है डिजायर में, क्योंकि पूरी डिग्गी फुल है, तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, वो दोनों अभी आ रहे हैं एक गाड़ी के साथ, तो अब पहुँचने वाले हैं पीजीआई, और टाइम हो चुका है 4:24, आज टाइम बहुत लग गया यार, मतलब हम लोग सुबह से लगे 6 बजे से, लेकिन हाँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने, पहले फ्रूट्स का हम लोग करते थे, ये इस बार हमने नया करने की कोशिश की,
तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बहुत शानदार प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया तो सभी लोग शाम को भी खाना खाने के लिए बेचारे वहाँ पे होते, तो अब निकल पड़े यहाँ से, फटाफट वहाँ जाके आपको व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर, और अंकल जी भी मिल चुके हैं। अंकल जी बहुत हेल्प करते हैं हमारी सभी बार ना, तो इस बार दोस्तों अभी एक गाड़ी आनी बाकी है, एक गाड़ी तो हमारी पहुंच चुकी है, सेकंड गाड़ी आनी बाकी है, तो फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। तो लंगर स्टार्ट कर लिया है, मोटा भाई अपना बांट रहा है प्याज प्यूज, बाकी सब खाना दे रहे हैं, वहाँ राजा भाई और आदिल भाई लगे हुए हैं, तो दे रहे हैं सबको, देखते हैं, और लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं, खा के देखते हैं उनको, देखते हैं कैसा लगता है।